आ गया, बहुत सारा पानी बह रहा है, उसी नल में पानी आ गया था तो बहुत सारा आ रहा है आज। टंकी तो पूरी भरी है पर मैं बोले आवाज़ कहाँ से आ रही, आवाज़ तो इससे आ रही, इससे ये लगा था इस पे। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप सभी, आई होप सभी अच्छे होंगे, आगे बच्चे रहे। अयांश क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। क्या कर रहा है अयांश? कुछ नहीं। अच्छा भूख लगी है आपको? हैं? सो अभी मैं बग्गर जा रहा हूँ घास के लिए, वहाँ मम्मी जा रही है घास के लिए, वहाँ से मैंने घास लेना है, चलिए चलते हैं। अयांश तू भी आ रहा है घास के लिए? आ रहा है, चल तो चल। अयांश चल रहा है? हैं चल यार घास के लिए बग्गर। हाँ चलना है? नहीं आना? क्यों हैं चलना? ये मुंह में उंगली क्यों रखी है तूने? निकाल निकाल यार, इधर निकाल 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 अयांश। सो चलते हैं घास के लिए, वहाँ मम्मी ने रखा होगा काट के। अभी मैं आधा आ चुका हूँ रास्ते पर, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। इस रास्ते पूरे बरसात के टाइम पूरा पानी पानी रहता है, अभी पूरा सूख चुका है, यहाँ तो जाने लायक नहीं होता इधर पे। सो अभी मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी चलते हैं आगे, यहाँ पर पूरा पानी पानी है, यहाँ तो जाने लायक नहीं होता इस रास्ते। अभी पूरा सनराइज हो चुका है देखिए, और मैं अब जा रहा हूँ घास के लिए। वहाँ ने काट लिया होगा घास, मुझे सिर्फ वहाँ जाना है, भाड़ा लगाना है, घर आना है घास लेके। यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, अब पहुँच गया मैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है, वहीं पर होगा। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, देखते हैं मम्मी कहाँ होगी, यहाँ तो दिख नहीं रही है। सो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी है हमारा एक खेत, यहाँ चलते हैं, उसके बाद दूसरी जगह देखते हैं वहाँ कहाँ होगी। यहाँ पर हमारा एक खेत, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नहीं है, चलो वहाँ पर वेट करते हैं। मम्मी ने बोला था वहाँ रास्ते पर मुझे रुकना, उसके बाद देखते हैं आएगी तो वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो वहीं पर वेट करेंगे। तब तक मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, चलो। यहाँ रास्ते रास्ते पर गदेरा रहता है, सो बरसात के टाइम यहाँ बहुत दिक्कत होती जाने में। यहाँ लोगों के भैंस रहते हैं, वो यहीं रहते हैं रात को भी, यहाँ फील्ड में पूरे भैंसे होंगे, देखते हैं भैंस तो नहीं है, वो अभी जंगल गए होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है ये वाला। सो उस दिन हम वहाँ जा रहे थे पानी लगाने, वहाँ वो वाला ब्लॉग नहीं देखा आपने तो नीचे लिंक होगी, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज यहाँ बहुत सारा पानी बह रहा है, उस दिन हमने पानी लगाया था तो बहुत सारा आ रहा है आज। इस वाली टैंकी से हमारे गाँव का पानी आता है और वहाँ ऊपर से आता है, वहाँ से लगाते हैं, इसमें भरता है, वहाँ से हमारे गांव में जाता है फिर। सही है, इसके ऊपर चलते हैं, अभी देखते हैं पानी कितना भरा है अभी। चलो यहाँ से जाना है, यहाँ से ऊपर। टैंकी तो पूरी भरी है पर मैं बोले आवाज़ कहाँ से आ रही, आवाज़ तो इससे आ रही, इससे ये लगा था इस पे, ये छेद पे लगा था ये, ऐसे निकाल देते हैं इसको। इस पे दवाई रखी है इस बोतल पे, सो यही लग रही थी, ये बार बार उसी पे आएगी, अब वहाँ फेंक दी मैंने। यहाँ से पानी जाता है, टैंकी तो फुल भरी है, वो बोतल फिर से ना आ जाए इधर, यहाँ से तब ये बंद हो रहा था। सो पीछे फील्ड देखो आप कितना बड़ा है, ये देखिए फील्ड यहाँ से था, अब यहाँ तो वो बना दिए भौर, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक पूरा फील्ड ही है। इसमें तो भैंस चरते हैं, बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ पर, बीच में ये पीपल का पेड़ बहुत अच्छा, बीच में ये देख रहे खाल, ये भैंसों के नहाने के लिए होता है, जैसे ये बना रखा, इसमें भैंस नहाती हैं, जैसे जंगल से आएगी तो सीधा इसमें जाते हैं वो। पहले हम वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे यहाँ पर, अब तो नहीं आते, पहले हम वहीं पर खेलते थे क्रिकेट। यहाँ हमारी एक पुरानी छानी है, पहले हमारी भैंस रहती थी यहाँ, अब तो घर ही में रहती हैं, वहीं बना लिया हमने। यहाँ तो पूरा बंद कर रखा, मैंने कहाँ से जाना, यहाँ देखते हैं इसको हटाते हैं, इस पर खतरनाक कांटे, यहाँ तो पूरा ख़त्म हो गया यार।
पूरा बंद कर रखा है यहाँ पर। ये अब चलते हैं। ये है हमारी पुरानी छानी, यहाँ पर बहुत पहले हमारी भैंस रहती थी, अब तो ये पूरा अजीब हो गया ऊपर का भी। ये देखिए यहाँ कोई सांप वाप ना हो। यहाँ पर ये नारंगी का पेड़ है, इस पर पहले बहुत सारे नारंगी होती थी, अब तो ये होती नहीं, सूख गया ये, अब कहाँ से हो गया। यहाँ पर ये संतरे का एक पेड़ था हमारा, ये भी सूख गया, अब एक नया हो रहा। बहुत सारे मल्टे होते थे पहले यहाँ, इस पर भी बोलते थे, इस पर भी, अब तो सारे सूख गए, ये भी सूख गया। तो इस साइड चलते हैं, यहाँ तो पूरा दरवाज़ा ही टूट चुका है यार, देखिए पूरा दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए पता नहीं किसी ने किया है या अपने आप किसी ने तो फाड़ा है। यहाँ से देखिए ये पूरा अलग किया है, पता नहीं अंदर कुछ होगा, अंदर नहीं जाएंगे हम, ऊपर भी पूरा ख़त्म हो चुका है। सो अभी नीचे चलते हैं, मम्मी आगे होगी घास लेके। चलो यहाँ पर इसको भी लगा देंगे अभी, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रख लेते हैं, कोई जाए ना अंदर। अरे आ जा रे से, ओ भाई कांटे लग रहे इस पे, तो इसको भी रख लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। जैसे कोई जानवर आता है तो वो इस साइड से चलता है, तो यहाँ पे हमें बंद करना होगा, इसे तो कांटे लगे हैं, कैसे रखूँ। ओ भाई एक और था, कहाँ गया वो वहाँ नीचे ही चला गया, रुको इसे भी यहाँ पर रख देते हैं। सो हो गया, यहाँ पूरा बंद कर रखा। सो नीचे चलते हैं अभी। सो पहले यहाँ पर लोगों ने दीवार दे रखी थी चारों ओर से, तो यहाँ पर पानी रुकता था, अभी देखिए बरसात के टाइम पूरा ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला यहाँ पर कुछ था। सो आ गई अभी, चलो ये मैं ले जाऊँगा अभी। सो अभी यहाँ से हमें नार ले जाना है वहाँ पर, पेड़ पे लगाने हैं वहाँ पर, यहाँ से नार ले जाते हैं पहले, ये वाला पूरा नार हमें ले जाना है, उधर पेड़ पे लगाना है हमें, उस पर पूरा सरना होगा मुझे। चलो इससे इधर मेरी चाची का खेत है और इससे इधर हमारा वाला ही इधर। सो कुछ नार यहाँ भी हैं, पहले यहाँ से ले चलते हैं फिर वहाँ से ले जाएंगे। सो अभी इसे ले चलते हैं। सो अभी मैंने ये यहाँ पर रख लिया, अभी और लाते हैं वहाँ। सो इतना सारा मैंने यहाँ पर ले चुका हूँ, अभी इसे पेड़ पर लगाते हैं, इस वाले पेड़ पर। सो अभी पूरा न्यार हमने इस पेड़ पर लगा लिया, अभी घर चलते हैं, ये वाला मुझे घर ले जाना है घास। सो अभी मैं घर आ चुका हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Can anybody out there hear me?